नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर का यूपी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल और मैं हूं रुद्रपुर से भास्कर पोखरियाल। बहुत सारी चीज़ें विषम परिस्थितियाँ वर्तमान में चल रही हैं, मानसून भी आया हुआ है। ऐसे में सामिया इंटरनेशनल ग्रुप पर भी अब कुछ सवाल वहां के स्थानीय लोग उठा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या मैनेजमेंट से सामिया इंटरनेशनल ग्रुप के सीएमडी से लेकर के प्रबंधन से है कि भाई कुछ सुविधाएं जो हमसे वादा किया था वो तो पूरा हो जाना चाहिए। मानसून अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से जो भी काम है, तो कल दैनिक भास्कर के साथ पूरे स्थानीय स्तर के जो है सीनियर सिटीजन हमारे बीच में आए और उन्होंने कहा कि हमारी बात भी मीडिया के माध्यम से जानी चाहिए। दैनिक भास्कर ने इस माध्यम को गंभीरता से लिया, मैंने बात करी, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात बताई। उन्होंने कहा कि सीनियर सिटीजन के लिए जहां दावा किया गया था कि एक क्लब बनाया जाएगा, आज तक वो नहीं हुआ। उसके अलावा सिर्फ एक पानी की एक समस्या जो थी उसमें तमाम जगह से लोग जूझते रहे और अब जाकर के एक पानी की सप्लाई भी दी गई, लेकिन उसके बाद भी ये दावा था कि बरसात से पहले यहाँ पर बहुत कुछ हो जाएगा। सड़कों के निर्माण में भी कई लोगों ने सवाल उठा दिए। उन्होंने साफ ये कहा कि एक लेयर सड़क की बिछाने के बाद भी अब वो सड़क उखड़ने लगी है, दूसरी लेयर का कोई काम नहीं कर रहा है। हम ऐसे विषय में सामिया प्रबंधन से भी बात करेंगे, लेकिन देखिए एक नज़र दैनिक भास्कर के साथ। ये हमारे सामने एक स्थानीय स्तर के और व्यक्ति हैं, जानकी प्रसाद जी। ये बताइए कि क्या उम्मीदें हैं आपको आगे सामिया में? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब से हम आए हैं अलकनंदा ब्लॉक सी के आगे, रोड आज तक नहीं बना और ना ही कोई पार्किंग स्थल बना है। ऐसे ही हम जंगल में वहाँ रह रहे हैं। कुछ परेशानी व्यक्तिगत आपके स्तर पे लग रही हैं? हाँ जी, रोड की बहुत सबसे बड़ी परेशानी है, सड़क की। पानी नियमित आ रहा है? बीच में बहुत प्रॉब्लम आई थी एक महीने से, अब कुछ आ रहा है पानी, ठीक आ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर यहाँ पर हैं, मिस्टर मुसाल साहब हैं, और यहाँ पर वो भी काफ़ी समय से रह रहे हैं। उनसे भी जानेंगे कि क्या सामिया की स्थिति पर क्या कहना चाहेंगे प्रोफेसर साहब। सर, ऐसा है, बातें तो बहुत लंबी चौड़ी होती हैं। मैं सारी समस्याओं को दो भागों में बांटता हूँ। एक तो आधारभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, हरे और सुरक्षा, ये हर एक कॉलोनी में होती ही होती है। जो जिन यहाँ इन तीन चार चीज़ों का बिल्कुल पूर्ण रूप से अभाव है। सिक्योरिटी के नाम पर गाय भैंस अंदर आ जा रही हैं, और पानी की व्यवस्था आपने सुनी होगी कुछ और लोगों से, और बिजली की समस्या सबसे बड़ी है। सर, क्या रुद्रपुर में सामिया ही लेक सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ अभी तक सारे ट्रांसफार्मर ठीक नहीं हुए हैं, लाइन ठीक से नहीं बिछी है, और 24 घंटे जो फ्लक्चुएशंस है बिजली में, तो उसे तमाम जो गजट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो गजट्स बर्बाद हो रहे हैं लोगों के, कितना बड़ा नुकसान उनको हो रहा है। सर, ये मैं बताता हूँ प्रोफेसर, आप एक चीज़ है, चलो इलेक्ट्रिसिटी का बात तो ये है कि वो UPCL उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन का काम है जी, लेकिन क्या इसके आगे जो मूलभूत सुविधाओं पे आप बात कर रहे हैं उनमें क्या बड़ी समस्याएं आपको लग रही हैं? यहाँ पर सर कम से कम 50% लोग सीनियर सिटीजन हैं। सीनियर सिटीजन के लिए कोई भी सुविधा नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था जिसमें मकान खरीदे थे कि एक क्लब की स्थापना की जाएगी, एक क्लब बनाया जाएगा, और उसके लिए जो है 25,000 रुपये पर अलॉटमेंट या पर फ्लैट जो है इन्होंने लिए, और उसके लिए अगर वो बन जाता तो हमें एक लाइब्रेरी मिलती, कोई लोग किताबें डोनेट करते, वहाँ हम उठते बैठते इंटरेक्शन करते, सब बातें होती। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप पिछले लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, और सामिया इंटरनेशनल ग्रुप जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे दावे कर रहा था, अब कैसा आपको क्या उम्मीद है कि आगे क्या होगा? देखिए, हम तो विगत 15 वर्षों से इस सोसाइटी में रह ही रहे हैं। बीच में बहुत सारी दिक्कतें थी, बिल्डर ने कुछ कोशिश की, तो बीच में आप जब देख रहे हैं जैसे सड़कों का और कुछ सुविधाओं को बढ़ाने की बात हुई थी, तो बीच में कुछ हुआ भी, लेकिन पुनः अब कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, और चूँकि बरसात का सीज़न है तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे
गार्डों की समस्या है और जैसे यहाँ पर गाड़ी पार करने की दिक्कत आ रही हैं और शाम को घूमने में लोगों को अंधेरे का जो दिक्कत सामना करना पड़ता है, वो सब चीज़ें तो हैं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। लगातार इनसे बात भी हमारी सोसाइटी के सभी लोग करते ही हैं। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि सामिया आगे और बेहतर काम करने जा रहा है? नहीं, दावे तो कर रहा है, लेकिन अब देखें कब तक ये काम पूरा होता है। बीच में सड़कों का हाल बड़ा बुरा था, कुछ तो ठीक हुई है, जो काम हुआ है उस पर तो हम कहेंगे काम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश है काम की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सोसाइटी बनाने का दावा किया जा रहा है, तो उस हिसाब से तो अभी काम बहुत कुछ होना बाकी है। ये थे हमारे साथ सामिया ग्रुप से जुड़े हुए और यहाँ के स्थानीय सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, वेलफेयर सोसाइटी इन्होंने बनाई है। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर राठौर। अब आगे बात करते हैं दूसरे बिंदु पे। राजेश जी हमारे सामने हैं। राजेश जी बताइए, अब क्या उम्मीद आपको सामिया से, अच्छे की या बुराई की? मेरे को तो उम्मीद नहीं लग रहा है, ये थोड़ा रोड बनाया है इससे तो हालत नहीं लग रहा है कि अच्छा सुधरेगा, लेकिन ऐसी स्थिति बनी हुई है। हम लोग 15 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, लेकिन कुछ भी सुविधा के नाम पे यहाँ पे बिल्कुल ही कुछ नहीं है। अभी पानी की समस्या इतनी थी कि बता नहीं सकता हूँ, पब्लिक इतनी परेशान थी, तब भी कोई इसको देखने वाला 15 से 20 दिन के बाद ही। राजेश जी एक बात है, पानी की समस्या का समाधान मैनेजमेंट ने किया है, लेकिन इसके आगे और मूलभूत समस्याएं क्या हैं, इस पर बताएं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जैसे हम 11 साल से रह रहे हैं, यहाँ पे रोड है क्या है, मतलब अगर बोला जाए जो मेन रोड है चलने का, वो तो रोड है इतने मतलब बेकार हुए पड़े, मतलब सिर्फ एक लेयर मारा है, उसके बाद ये बिल्कुल ही भूल चुका है कि हमें दूसरे भी लेयर मारने हैं, और उखड़ चुके हैं रोड बीच बीच में जहाँ तहाँ बिल्कुल उखड़ चुके हैं। गणेश चौक के पास में तो बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है। मेरा नाम मुरगोब त्यागी है, मैं सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। साथियों, हम लोगों की बहुत कोशिश है कि सामिया लेक्स की रुद्रपुर, जो उत्तराखंड की एक बहुत ही शानदार टाउनशिप बनेगी, जो आज उत्तराखंड की सबसे बड़ी निजी आवासीय परियोजना है, इसके अंदर काफ़ी दिनों से निर्माण रुका हुआ था, हमने उस डेवलपमेंट को शुरू किया है। उस डेवलपमेंट को शुरू करने के अंदर अभी चूँकि बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में किसी तरह का सड़कों का निर्माण नहीं करा जा सकता है, तो हमने इस बरसात के मौसम में सड़कों के निर्माण किए जा, हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम लोग ग्रीनरी पर ध्यान दें, क्योंकि ये महीना सावन का महीना है, सावन के महीने में जितने ज़्यादा हम हरियाली कर सकते हैं, जितने पेड़ लगा सकते हैं, हम पेड़ लगा रहे हैं। हमारी कॉलोनी के अंदर सड़कों को बनाने का हमने फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, 3 फेज का प्लानिंग बनाया हुआ है। फर्स्ट फेज के अंदर हमने जो सड़कें बहुत बुरी स्थिति के अंदर थी, उनके अंदर हमने पहली कोटिंग कर दी है। सेकंड कोटिंग जो होगी हमारी, बरसात ख़त्म होती सेकंड कोटिंग हम लोग तेज़ी के साथ शुरू कराएंगे। जहां पर हम लोग WBM कर सकते थे, यानी वाटर बॉन्डिंग के साथ में हम कर सकते थे, वहां पर हमने वाटर बॉन्डिंग कर दी है। फर्स्ट स्टेज के अंदर उनको ब्लैक करा जाएगा, सेकंड स्टेज में उनको फिनिश किया जाएगा। तो चूंकि जुलाई और अगस्त का महीना बरसात का महीना होता है, खासतौर से जो रुद्रपुर है वो उत्तराखंड के अंदर है, और उत्तराखंड के अंदर बारिश लगातार हो रही है, जल्दी जल्दी हो रही है। इस बारिश की वजह से प्लांट्स भी बंद हैं जहाँ से सामान लाकर हम इसको बना सकते हैं, और अगर हम बनाना भी शुरू करेंगे तो किसी भी तरह का जो तारकोल वाली सड़क है उसका निर्माण बरसात में नहीं किया जा सकता। तो मेरी कॉलोनी के सभी लोगों से विनती है कि आप लोग हमें थोड़ा सा सहयोग दें और हम इस कॉलोनी को बहुत ही सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं।